पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद से लोकसभा का कांग्रेस प्रत्याशी राजबब्बर को बनाए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता खुशी मना रहे थे, तभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान तैनात पुलिस ने कांग्रेसियों को नारे लगाने से रोक दिया। इस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए और जमकर कहासुनी होने लगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस का विरोध किया। दरअसल बात सिर्फ इतनी थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता राजबब्बर का टिकट होने पर खुशी मना रहे थे। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करनी शुरू की, तभी तैनात पुलिस ने कांग्रेसियों को नारेबाजी करने से रोक दिया। इतने में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए और सभी ने पुलिस का विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ अन्य कांग्रेसियों ने मामले को शांत करा दिया, जिसके बाद बामुश्किल मामले को शांत कर दिया गया। आज तमाम कार्यकर्ता मुरादाबाद के, एक एक कार्यकर्ता आपने देखा है क्या जोश है लोगों के अंदर, और ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मुरादाबाद का एक एक कार्यकर्ता, पूरे मुरादाबाद लोकसभा का एक एक कार्यकर्ता राज बब्बर जी को यहाँ का लोकसभा सांसद बनाना चाहता है और हर उम्मीद पर हर हाल में जाना चाहता है। मुरादाबाद से एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है, तन मन धन तीनों चीजें। हमारे प्रत्याशी, हमारे 10:30 बजे हमारे प्रत्याशी का ऐलान हुआ है। अरे मैंने लगा जिला व महानगर में बहुत उत्साह है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष के घर पर निवास पर उनको मतलब बधाई देने आए हैं। अगर बधाई देना गलत है, इस संविधान में गलत है, तो भाई हमको। विनोद जी, क्या पूरा मामला था, क्यों पुलिस आपको रोक रही थी? 10:30 बजे हमारे प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ, जो हमारे दिल के स्टार हैं और मुरादाबाद के आने वाले MP हैं। बिल्कुल बता दिया आपको, MP हैं। हमारे यहाँ के पुलिस प्रशासन को परेशानी हो रही है कि हम पुलिस के साथ लोग इकट्ठा हो रहे हैं।